हमारे प्राइवेट बीच और कॉटेज तक पहुंचने के लिए हम रोड का यूज नहीं करेंगे, हमें जाना होगा एक फेरी के थ्रू। फेरी यानी कि एक छोटी शिप या बोट हम कह सकते हैं, हमारी कार भी उसी पे जाएगी और हम भी उसी के थ्रू जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सरी फेरी डॉक बिल्कुल हमारी कॉटेज के साइड में है और ये जो फेरी है ये हर 15 मिनट में चलती है यहाँ से पूरे 24 घंटे दिन के, और ये एकदम फ्री है। इसे यहाँ पे ऑपरेट करता है VA डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम लोग आ गए हैं अपनी कॉटेज पे जो कि एक वाटर फ्रंट कॉटेज है, और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। मैं हूँ प्रीति। इस तरह की बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज हो या फिर नेशनल पार्क में केबिन्स वगैरह बुक करने हो तो गर्मियों के मौसम में या जब छुट्टियों का टाइम होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है इनकी बुकिंग लेना। हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ काफ़ी महीनों पहले इसकी बुकिंग कर ली थी, और बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ऐसी जगह आप घूमने जा रहे हैं तो पहले प्लान कर लें, वरना सारी चीज़ें जो हैं वो बुक हो जाती हैं। तो इस रिवर का नाम है जेम्स रिवर, और ये बहुत ही सेफ है बच्चों के खेलने के लिए भी, क्योंकि इसमें जो है कोई जेलीफिश या फिर शार्क नहीं है, और इसकी टाइड्स भी बहुत स्लोली मूव करती हैं, ऑलमोस्ट 12 आवर्स के डिफरेंस पे होती हैं। तो बहुत ही आराम से पूरी फैमिली यहाँ एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये कॉटेज से बस 20 फीट की दूरी पे है और उन्होंने इसके बीच में कोई स्टेप्स भी नहीं लगाए हैं ताकि डायरेक्ट एक्सेस रहे बीच के लिए। और इसका पानी जो है वो ब्रैकिश है, लाइक थोड़ा सा सॉल्टी है, थोड़ा सा फ्रेश वाटर है। यहाँ आरव कायक चलाना सीख रहा है। जगह जो है ये कही जाती है कोलोनियल विलियम्सबर्ग, ये वर्जीनिया में है। और अगर इसे कोलोनियल टर्म का मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये हम रिलेट कर सकते हैं जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो जैसे मुंबई था वैसे जब अमेरिका उनके अंडर था, तो हम इससे पोर्ट सिटी की तरह इसे रिलेट कर सकते हैं। Bye. और यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमने एंजॉय किया वो थी कायकिंग। यहाँ पे कायक्स यानी कि छोटी नाव की तरह, नौका की तरह जो होती है, वो बच्चों के लिए भी अवेलेबल थी और बड़ों के लिए भी। तो वो आप लेके चले जाइए पानी में और आराम से उसे चलाते रहिए सीनिक व्यूज़ के साथ। मैंने तो फर्स्ट टाइम की थी और बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो बहुत ही स्मूथली चलती है, और इनफैक्ट आरव ने भी वो काफ़ी देर तक चलाया। घंटों घंटों आप चला सकते हैं पानी में और सुंदर सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। एक तरफ पियर का व्यू था, पानी का व्यू था, फेरी जो आ रही थी उनके व्यूज़ देखने को मिल रहे थे, और अगर आपने साइड में देखा हो तो ऊपर से ब्रिज भी जा रहा है, वहाँ से नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था। तो बहुत ही सुंदर व्यू जो है उस कायकिंग के थ्रू देखने को मिल रहा था। बीच पे घूमते घूमते एक बात जो मुझे याद आई वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी अ थम्स अप। ये
एक्चुअली कॉटेज काफी समय पहले बनाई गई थी और इसके अंदर काफी एंटीक सामान था, और इसकी ओनर जो है वो यहाँ नहीं रहती, वो रहती है मिनेसोटा में, और उनके मैनेजर इसे यहाँ मैनेज करते थे। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी गई थी, जैसे कि एक प्राइवेट 180 फुट का पेयर जिसके ऊपर आप बैठ के मछलियां पकड़ सकते हैं, क्रैब्स पकड़ सकते हैं, और यहाँ पे ढूंढ सकते हैं शार्क के टीथ या फिर सुंदर सुंदर सी शेल्स जो होती हैं। आरव ने तो बहुत सारी वहाँ पे अच्छी अच्छी सी शेल्स ढूंढी थी, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा डरावना सीन हो गया था वो हो गया था, एक बड़ा सा सांप यहाँ देखने को मिल गया था। इस जगह की सबसे खास बात ये थी कि ये प्राइवेट बीच होने की वजह से यहाँ कोई भी और आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, सिर्फ आप हैं और बीच है, और आप चाहे मछली पकड़िए, नाव चलाइए, या आराम से रिलैक्स करके वहाँ सो जाइए। ये वाइट सैंड बीच था, यहाँ की रेत ना तो आपकी चिपकती है ना चिपचिपी होती है, और बहुत ज़्यादा चमकती है, और यहाँ पे आप सारे दिन बैठ के सैंड कैसल्स बना सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। होटल की तरह नहीं है, ना तो यहाँ आपको रूम सर्विस मिलेगी, ना ही कोई रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बल्कि ग्रोसरी स्टोर्स भी, मैं आपको बताऊँ तो कोई 70-80 किलोमीटर दूर था यहाँ से, तो हम अपना सब सामान लेके आए हुए थे, और अंदर जो किचन थी वो फुली फर्निश्ड थी, आपको सब तरह के बर्तन मिल जाएंगे, सब तरह की मशीन्स, डिश वॉशर, ब्लेंडर, कॉफ़ी मेकर, सब कुछ था। और बाहर इन्होंने दी हुई थी ग्रिल, तो जिस पे आप अपना खाना भी बना सकते हैं, ग्रिलिंग करनी हो तो बारबेक्यू कर सकते हैं, तो सब तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो एक बहुत ही रिलैक्सिंग, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी, तो एंटरटेनमेंट की भी, खाने की भी, और हम अपना खुद ही कुक करके वहां पे खा रहे थे। आज की बीच की विजिट आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि क्यों नहीं अच्छा लगा है, और मैं आप लोगों को मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय।